अब इसके साथ ही नासिर आपको बताएंगे चनियोट में 25 मई योम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के मौका पर यादगार शहदा पर तकरीब सलामी का इनाकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चनियोट, डीपीओ चनियोट और पाक आर्मी के अफसरान ने शिरकत की है। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदे वसीम खान दौरानी। जी वसीम, आगा कीजिएगा। आज बिल्कुल यौम तकरीम शहदा के मौके पर यादगार शहदा पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। सलामी में डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा, डीपीओ चनियोट वसीम रियाज खान, पाक आर्मी के अफसरान, सिविल सोसाइटी, पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। यादगार शहदा पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं और शहदा के लिए खसूसी तौर पर दुआ की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि शहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम सुकून की नींद सोते हैं। आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी कीमती जान की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। मजीद डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आज के दिन शहदाए पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। हम अपने शहदा के खून के वारिस हैं और उनके लवाहिकीन के दुख सुख के जामिन हैं। मजीद डीपीओ चनियोट वसीम रियाज खान ने कहा, पाकिस्तान आर्मी पुलिस के जवान दहशतगर्दी जराइम पेशा अनासर की बिशकुनी के लिए हामा वक्त सीना सफर हैं। मुल्क कौम की हिफाजत के लिए पुलिस आंदा भी किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। शहदाए पुलिस हमारे माथे का झूमर हैं। जी।